एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आगरा में अब मेट्रो दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। इस दौरान आगरा में सीएम योगी मौजूद रहे। सीएम ने मेट्रो से 7 मिनट तक सफर भी किया। सीएम ताजमहल स्टेशन से ताज ईस्ट गेट तक गए। बता दें कि फर्स्ट फेज में अभी 6 किलोमीटर तक मेट्रो चलेगी। इसके बीच में 6 स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें ताज पूर्वी गेट, कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन, फतेहाबाद रोड, ताजमहल, आगरा फोर्ट और मन कामेश्वर मंदिर स्टेशन शामिल है। मेट्रो 90 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी और स्टेशन के अंदर एआई से निगरानी की जाएगी। अगर कोई भी शख्स 20 मिनट स्टेशन के अंदर रुका तो अलार्म बजने लगेगा। अभी ट्रेन का मिनिमम किराया 10 रुपए है, जबकि मैक्सिमम 20 रुपए रखा गया है। आगरा मेट्रो कार्य का शुभारंभ हुआ था और मात्र 2 वर्ष के अंदर ही प्रैटी सेक्टर का जो 6 किलोमीटर का पहला कार्य है यह पूरा होकर के आज जिसमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं और 3 एलिवेटेड स्टेशन हैं, इस कार्य को पूरा करने के साथ ही मेट्रो भी इसमें प्रारंभ हो चुकी है। आगरा मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सबसे अधिक सिटी में मेट्रो की सुविधा है। इससे पहले लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी है और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 61वें शहर आगरा में ब्रजवासियों के लिए, आगरावासियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हुई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन ने कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या आगरा मेट्रो के कार्य को जिस तत्परता के साथ किया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। 3 अंडरग्राउंड स्टेशन को 3 किलोमीटर क्षेत्र में उन्हें विकसित करने में एक समय सीमा के अंदर उन्होंने समय से पहले, यानी अगर कहें तो देश के अंदर सबसे पहले और सबसे तीव्र गति के साथ कार्य करने वाली आगरा मेट्रो हुई है। यह अपने आप में एक उपलब्धि है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए, उनकी सुविधा के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश वासियों के हित में या उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटन और टूरिस्ट के हित में इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोलकाता में देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। ये मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बनी ट्रैक पर दौड़ेगी। आपको बता दें कि 1984 में देश की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ब्लू लाइन में दौड़ी थी। 40 साल बाद एक बार फिर यहीं से देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो रेल चलेगी। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं।